मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पुस्तकें भी भेंट की। कार्यक्रम में निपुण आकलन में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने माफिया अतीक अहमद का नाम लिए बगैर कहा कि हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलता है। पहले माफिया थे, अब उनकी क्या दुर्गति है, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे लोग जश्न मनाते हैं। अत्याचारी और अन्याय के साथ समाज कभी खड़ा नहीं होता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। सीएम योगी ने कहा, पहले प्रदेश में माफिया सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे, आज वो किसी स्थिति में पहुंच गए हैं, कैसे उनको सजा हो रही है और उनको सजा होने पर तालियां बजती हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। सीएम ने कहा, भले ही उसने व्यक्तिगत तरीके से हमसे किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, मगर उससे पीड़ित हर व्यक्ति था, क्योंकि वो अत्याचारी है, अन्यायी है। ये जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और अन्याय के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में माफिया की कमर तोड़ने को लेकर योगी सरकार की ओर से पिछले 5 से 6 सालों से जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा था, उमेश पाल की हत्या की घटना एक तरह से उस नीति को चुनौती थी। उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो कानून की राज की स्थापना की ओर इशारा करता है। इससे ये भी साफ हो गया है कि सरकार की इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, इससे ये साफ है कि अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो वो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि सूबे की योगी सरकार माफिया के खत्म होने की बात कर रही है।